नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करती हूँ आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है न्यू जॉब रिकमेंड के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करने वाली हूँ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन जॉब इन एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड से वॉकिंग इंटरव्यू होने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप इनमें इंटरेस्ट हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चाहे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इनका डेट पहले जान लीजिए, 4/9/2018 से होने वाला है, मीन्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा 4 तारीख से, और क्लोजिंग होगा 10/9/2018 के अंदर आपको ए इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। सो गाइस, अगर आप सच में ए जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए किस तरह से कहां से अप्लाई करना होगा, इनके साथ साथ क्या क्या क्राइटेरिया मांग रहे हैं, इन डिटेल्स बात करने वाली हूँ। सो वीडियो को पहले देख लीजिए एंड तक। और तो चलिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 77 और अलग अलग कैटेगरी पे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, जैसे कि यूआर 41, एससी 11, एसटी 5, ओबीसी 20। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं आपका होना चाहिए, देखिए और ऑप्शन करके दे दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए थोड़ा सा। और आपका डिप्लोमा अदरवाइज डिग्री कुछ है तो इंजीनियरिंग के ऊपर, कोई भी मैकेनिकल के ऊपर, अदरवाइज इनके इक्विवेलेंट कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किए हैं तो तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जनरल कैटेगरी पे आते हैं तो आपका मार्क्स 60% होना ज़रूरी है। और आप अगर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं जो लोग हैं तो उन लोगों के लिए 55% से भी काम चल जाएगा। ओके, और ये छोड़ के आपके पास देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर इक्विवेलेंट कुछ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदरवाइज इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है तो वहाँ पर भी आपका मार्क्स 60% होना ज़रूरी है और जनरल लोगों के लिए, और जो लोग स्पेशल कैटेगरी पे आते हैं उन लोगों के लिए सिर्फ 55% मार्क्स से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं, जो कि एक्सपीरियंस देखिए मिनिमम 1 ईयर का आपका एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ नॉलेज है तो तब आपके काम पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल कंप्लीशन और नेशनल जो ऑप्शन है वो भी देख लीजिए थोड़ा सा, देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों क्वालिफाइड है तो आपके पास क्वालिफिकेशन है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये छोड़ के देख लीजिए, एज जो है मिनिमम 18 से लेके मैक्सिमम 35 ईयर के अंदर आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहां से आप लोगों को मिलने वाले हैं स्टार्टिंग सैलरी जो है 20,000 पर मंथ। ओके, तो ये रहा बेसिक क्राइटेरिया जो कि एक फॉर्म फिलअप करने के लिए ज़रूरत होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिटेशन। और ये छोड़ के अगर आपके मन में एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो डायरेक्टली आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दिखाऊंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो को पहले एंड तक देख लीजिए और उनका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा जहाँ से आप अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, और इनके साथ साथ जो अपर एज रिलैक्सेशन होता है जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, एससी एसटी जो लोग हैं उन लोगों के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर एंड अदर पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन उन सारे के लिए 10 ईयर का टोटल रिलैक्सेशन है। एंड यहाँ पर देखिए कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे किस तरह के, बिल्कुल है ऑनलाइन, मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं, आपको जाके इंटरव्यू देना होगा और वहाँ पर 2-4 टेस्ट होंगे। तो वहाँ पर देखिए, देख लीजिए स्क्रीन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जॉब आपके पॉकेट में होगा अगर आप ए फुलफिल टोटल कर सकते हैं तो। ओके, तो ये एप्लीकेशन भरने के लिए आप लोगों को 1,000 रुपीज़ पर हेड देना होगा और ये बिल्कुल आपको डिमांड ड्राफ्ट करके देना होगा। और यहाँ पर देखिए जो के जो सारे लोग हैं, नो एप्लीकेशन फ्री रिलीजन इन केस ऑफ द एससी एसटी और एंड एक्स सर्विसमैन जो सारे हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेशन नहीं भरना होगा, ठीक है। और ये भेजना होगा किस तरह से, कहाँ से, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल
वॉकिंग इंटरव्यू है, लेकिन आपको एक पीडीएफ इनका जो नोटिस है वहाँ पर डाउनलोड करके आपको फुलफिल करके भेजना होगा, इस एड्रेस पे लेके जाना होगा, और वहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, कास्ट, एज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन डिटेल्स जो आपके पास है, जो कुछ कलेक्ट किए हैं इतने दिन तक, सब कुछ लेके वहाँ पर विजिट होना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए डेट जो है 4/9/2018 से 10/9/2018 के अंदर होगा, और टाइम जो है 9:30 AM से स्टार्ट होगा टू 11:30 तक। ओके, और इस एड्रेस जो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, और ये भी डायरेक्टली नोटिस जो है, मीन्स इनका नोटिस पे भी जो एड्रेस है वहाँ पर आप लोगों को जाना होगा। सो गाइस, तो चलिए इनका जो नोटिस है वो पहले देख लीजिए। देखिए, ये रहा इनका पीडीएफ, मीन्स ओरिजिनल नोटिस एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड का, और यहाँ पर टोटल 8 पेज है, थोड़ा बहुत देख लीजिए। इनका लिंक भी डायरेक्ट लिंक करके दे दिया जाएगा, जहाँ से जो मैंने अभी तक बोला ये छोड़ के आपके मन में एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो डायरेक्टली आप लोग वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ मिस्टेक हो जाए तो अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए क्या क्या क्राइटेरिया मांग रहे हैं, वहाँ पर तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म पर बता दिया। देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना होगा, जहाँ पर मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर, इन डिटेल्स, सिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन डिटेल्स जो सारे हैं, कास्ट जनरल जो है सभी भरना होगा अच्छे से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है और भरना होगा, भरने के बाद आपको भेज देना होगा 1000 ईयर पर, और यहाँ पर सेल्फ सिग्नेचर जो भेज आप भेज रहे हैं यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, उसके बाद आपको ये सेंड करना होगा। सो गाइस, ये रहा इनका पीडीएफ, ए अगर इनका ऑफिशियल जो पेज है वो देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर जाके देखिए डायरेक्ट लिंक, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो कुछ इंक्वायरी है तो आप इन ये जो है www.earindia.com यहाँ पर डायरेक्टली सेंड कर ओपन कर सकते हैं, करके यहाँ पर विजिट होने के बाद आपके जो चाहे आप देख सकते हैं, ठीक है। इन डिटेल्स यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, और इनका जो नोटिस जो है हम वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, जहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं और वहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो सच में थोड़ा सा हेल्प हुआ है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चाहे तो एक मिनिमम लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।